कि मेरा मैसेज हर जगह स्प्रेड हो, जिससे जितना आप लोग कर सकते हैं करिए। कुछ लोगों से मेरा सवाल है, एक वार्निंग है, और क्योंकि आज की डेट में जितनी जाहिलियत से वो लोग रोड पे उतर रहे हैं लाखों की तादाद में, जैसा साउथ में हो रहा है आजकल में, जो लाखों की तादाद में रैलियाँ निकली हैं सीएए के विरोध में, उन जाहिलों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आज तक नहीं पलटी वो अपनी बात पे फर्म है, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी उसके साथ है, कि नहीं पलटेगा मतलब नहीं पलटेगा, सीएए वापस नहीं होगा तो नहीं होगा, एनपीआर आएगा, एनआरसी आएगा, बाद में यूसीसी भी आएगा, उसमें रोड पे आके धरना दे के बची हुई कसर पूरी कर लेना। लेकिन अभी कोरोना वायरस के चक्कर में उन मासूम बच्चों को मत शिकार बनाओ जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, उन लोगों को मत शिकार बनाओ जिनको कोई मतलब नहीं तुम्हारी जो जिहादी मानसिकता वाली हरकत है उससे, तुम्हारे कुछ हजार लोगों की गलतियों से जो फैलेगा वो, अगर एक दो को भी भीड़ में हो गया तो किस तरीके से वायरल होगा, किस तरीके से स्प्रेड होगा, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जो गिनती अभी 100-150 तक पहुंची है, एक दिन में 1-2 हज़ार, 3 हज़ार और 1 लाख तक पहुंच सकती है, इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की। तो इतनी अगर बुद्धि है किसी में, एक दो लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज़ उसको रोको, घर में बैठो, सेल्फ क्वारंटाइन मतलब कि अपने आप को एक इन्वायरमेंट में कैद रखो, साफ सुथरे इन्वायरमेंट रहो, तुम्हारी वजह से कहीं ना फैले उसका ध्यान रखो, बजाय इसके तुम सरकार के विरोध में जाने के लिए इस हद तक चले आए हो। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि हमारी ज़िंदगी शुरू ही होती है मौत के बाद, हमें तो जिहाद करना है, अब ये वायरस वाला जिहाद आ गया है, ठीक है, तरह तरह के, अब कोई बीच में टर्म कॉइन हुआ था कि लैंड जिहाद है, फिर लव जिहाद है, फिर तमाम है, मत करो। मैं ये उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता हूँ, मैं मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर फैल गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि तब रोते रोते सबसे पहले सरकार के पास जाने वाले तुम ही लोग होगे, एक बात समझ में आ रही है, और तब जब जाओगे तो तुम्हारे सारे नेता अपोजिशन वाले खड़े हो जाएंगे कि सरकार ने एतिहाद नहीं बरका, सरकार उनके पास गई नहीं बात करने। अरे क्या बात करने वाली है, वो अपनी जगह पर अटकी हुई है। तुमको बस मैं इतना ही तो कह रहा हूँ कि कोरोना के जाने का वेट कर लो, क्योंकि जो तुम जो कि क्योंकि कुछ इतने बड़े जाहिल हैं कि शाहीन बाग में अगर पूछा गया तो मैडम कह रही है हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, कोरोना से नहीं डरते, कोरोना वायरस से डर नहीं लगता। वो डरते तो हो बेटा, तुम डरोगे भी किसी दिन, रुक जाओ, डरोगे अभी हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी तो उन्हीं के चार पार्टी वाले आसपास वाले कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सरकार की गलती है। और एक मैं पूछना चाहता हूँ, इतना ही तुम सिर्फ अल्लाह से डरते हो तो क्यों आज के डेट में मक्का बंद है, क्यों वहाँ पे लाखों की भीड़ वाली जगह है जहाँ पे रोज जो भी लोग अपने फेथ की वजह से जाते थे, क्यों वो बिल्कुल सन्नाटा है वहाँ पे? उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि डरने का कारण तो है कोरोना, डरने का कारण तो है, और जिस तेज़ी से फैल रहा है उसमें अगर तुम अपना योगदान नहीं देना चाहते हो तो चुपचाप बैठो, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसमें बैठ लेना, फिर से दे लेना धरना, साल साल भर टिका लेना, कोई पूछने भी नहीं जाएगा और कोरोना भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है, एजेंडा बाद में पूरा कर लेना, 130 करोड़ के पीछे मत पड़ो, वरना अगर कल को इकोनॉमी तुम्हारी वजह से डाउन होती है, क्योंकि होगी, तुम्हारी वजह से कोरोना फैलेगा, लोगों को इफेक्ट करेगा, तो इकोनॉमी क्या हर चीज़ त्रस्त हो जाएगी, बैठो, नहीं सरकार पावर और फोर्स यूज़ करने पे आएगी तो फिर तुम ही लोग रोते रोते जाओगे कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। अभी लोग प्यार से समझा रहे हैं, रोज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेट बैठा रहे हैं, मैसेज पहुँचवा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन कोरोना पकड़ लिया, आबादी खतरे में आ गई, तो तुम ही लोग रोते रोते जाओगे मोदी के पास कि बचाओ बचाओ, 5-5 लाख की हमारी जो स्कीम है इंश्योरेंस वाली फ्री में, मैं इलाज करो इलाज करो, समझ में आ रहा है, बुद्धि का यूज़ करो, हर जगह ये जिहाद करने से फ़ायदा नहीं मिलता। जय हिंद, वंदे मातरम।